कोई भी सरकार आ जाए सबको घर दे ही नहीं सकती। जब तक 2 करोड़ घर बनता है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। और जितनी समस्याएं आप इसकी वाईफाई एनालिसिस करिए, मतलब समस्या में 2 बार 3 बार वाई लगाइए, वाई जापान में हर प्रॉब्लम में वाई लगाते हैं। पानी गंदा है क्यों? डिमांड ज्यादा है, पानी कम है। हवा गंदी है, रूट काज पॉपुलेशन कम। दिल्ली एनसीआर के लोगों की लाइफ 10 साल कम हो चुकी है सर्वे के अनुसार, यानी हम लोग 10 साल कम जिएंगे। जीना चाहिए हमें 90, तो हम जिएंगे 80, हमारी लाइफ कम हो चुकी है। रूट काज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। सब्जी शुद्ध नहीं मिल पा रही है क्योंकि जितना डिमांड है उतनी पैदा नहीं हो पा रही। फल शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जितनी डिमांड है उतना पैदा नहीं हो पा रहा। दूध शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जितना डिमांड है उतना पैदा नहीं हो पा रहा। सबको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? जितना डिमांड है उतना पैदा नहीं हो पा रहा। अपराध बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो चोरी करेंगे, लूट करेंगे, झपटमारी करेंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे, मोबाइल स्नेचिंग करेंगे, चेन स्नेचिंग करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना खाने पीने के लिए। अपराध का रूट काज, अगर आप प्रॉब्लम की रूट काज एनालिसिस करिए तो 50% प्रॉब्लम का रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 50% चाहे वो जल जंगल जमीन की समस्या हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, गरीबी की, भूखमरी की, कुपोषण की, प्रदूषण की, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, तहसील में भीड़, थाने में भीड़, जहां देखिए भीड़ ही भीड़। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, 1 मुकदमों से अगर 1 परिवार टेंशन में है, 1 परिवार में 6 आदमी है तो 30 करोड़ लोग टेंशन में भारत में मुकदमों के कारण। सरकार कुछ भी कर लेगी, कितनी कोर्ट बना ले, मुकदमे खत्म ही नहीं हो सकते इतने, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो मुकदमा बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, मर्डर होगा, रोडरेज होगा, ये होगा, वो होगा, जगह पे कब्जा होगा, फला होगा, फला तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो कुछ भी कर। 30 करोड़ लोग भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में, 1 अमेरिका के बराबर। इसलिए मेरा यह मानना है कि सबसे पहले भारत में जो जरूरत है वो है हम दो, हमारे दो, सबके दो। और मानव इतिहास में ये हमारे यहां बहुत पहले लागू हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। जो पूरी दुनिया में रामराज्य की बात होती है उसका एक बड़ा कारण है, हम जिन चीजों को अभी लागू करने के लिए सोच रहे हैं ना, भगवान श्री राम ने हजारों साल पहले वो सारे सिस्टम लागू कर दिया है। आप खुद सोचिए, चक्रवर्ती नरेश भगवान श्री राम को कौन अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा उस समय के, कौन ऐसा राजा रहा होगा। लेकिन भगवान राम ने कितना विवाह किया, ऐसा कौन होगा नहीं जो लक्ष्मण को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा। लक्ष्मण जी ने कितने विवाह किए, 1। ऐसा कौन होगा जो भरत को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा, भरत ने किया 1। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने 1-1 विवाह किया, यह एक्सीडेंट नहीं है। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे और शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे, यह एक्सीडेंट नहीं है। ऐसा क्यों, किसी को ना 1 हुआ ना किसी को 3 हुआ, सबके 2 ही 2। तुलसीदास जी लिखते हैं, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणम गाए। उत्तरकांड में इसकी चर्चा है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू करने वाले भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम। अभी हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने तय किया था
कि मंत्री और संतरी के बच्चे का सिलेबस एक होगा, करिकुलम एक होगा, ऐसा नहीं होगा कि मंत्री का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा और संतरी का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा। हालांकि उसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी, राजा दशरथ जी ने उसको इंप्लीमेंट किया था, उसके पहले राजा रघु ने इंप्लीमेंट किया था, लेकिन इफेक्टिवली बाकायदा नीतिगत निर्णय लेके अपने मंत्रिमंडल राज्यसभा में नीतिगत निर्णय लेके जो लागू किया था वो भगवान श्री राम ने किया था। बहुत अच्छा बोल रहा, उसको बोलने दो भाई, भगवान राम की बात आ रही है तो वो भी कुछ बच्ची बोल रही है। जय सिया राम। लेकिन हमने क्या किया, ना दुनिया से सीखा, ना अपने रामचरितमानस से सीखा, ना रामायण से सीखा। राम राज्य की चर्चा तो हुई और लेकिन वो आएगा कैसे उस पर चर्चा नहीं हुई। राम राज्य का वर्णन उत्तरकांड में है, वो कहते हैं सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। थोड़ा कूलिंग बढ़वा दीजिए भैया, इधर भी थोड़ा करा दीजिए। सब नर करई परस्पर प्रीति और चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं, अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। और उसी रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय, जोर से बोलिए जरा, भय बिन होय। एक तरफ कहा जा रहा है कि सब परस्पर प्रीति करते हैं, दूसरी तरफ राम कह रहे हैं, भगवान राम खुद कह रहे हैं बिना भय के प्रीति नहीं होती। अब भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में रूल ऑफ लॉ है, तो किसका भय होगा? कानून का भय, कानून का भय होना चाहिए भाई। परस्पर प्रीति कैसे होगी? परस्पर प्रीति ऐसे होगी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि उसमें राम का आदर्श हमने पढ़ा हो, युधिष्ठिर का आदर्श पढ़ा हो, वेद हमने पढ़े हो, भगवत गीता पढ़ी हो, वैदिक शिक्षा हमारी व्यवस्था हो, तो परस्पर प्रीति होगी। दूसरा, बाय द वे अगर हम प्रीति नहीं करना चाहते, बाय द वे एक भाई दूसरे भाई की जमीन पे कब्जा करना भी चाहता हो, उसके मन में अगर गंदगी आ भी जाए, तो कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर दूसरे की जमीन पे कब्जा किया तो 10-20 साल के लिए तो गए, तभी तो प्रीति रहेगी। शिक्षा ऐसी हो, संस्कार दे, चोरी आदमी करे ना, कानून ऐसा हो, ऐसा खौफ हो कि अगर हमने चोरी किया तो हम तो 20-50 साल के लिए गए। शिक्षा ऐसी हो कि नहीं नहीं नशे से दूर रहना है, नशे हमें ड्रग स्मगलिंग में नहीं फंसना है। कानून ऐसा हो कि एक बार नशे की पुड़िया बेचने के पहले आदमी के उसके रोए कांप जाए, जैसे सिंगापुर में होता है, कुछ दिन पहले एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके गया था, फांसी दे दिया, दोबारा वो वहां कोई जाएगा नहीं ड्रग स्मगलिंग करने। चाइना में एक कंपनी के जीएम ने एक वेंडर से पैसा ले लिया 2 लाख युआन, फांसी दे दिया, अब दोबारा वहां कंपनी का जीएम किसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा नहीं मांगेगा। लॉ मिनिस्टर ने कुछ वहां गड़बड़ किया था, फांसी दे दिया, दोबारा वहां नहीं करेंगे। तो दुनिया के जापान में देख लीजिए, आखिर जापान में तो नहीं है क्राइम उतना, नहीं है क्यों नहीं है? सिंगापुर में इतना क्राइम क्यों नहीं है? भारत में ही क्यों है? सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म, और अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरो शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। ये भी राम राज्य की एक कल्पना है, राम राज्य के बारे में लिखा हुआ है, कोई दरिद्र दुखी नहीं है। अरे भैया, दरिद्र दुखी क्यों नहीं है? हर हाथ को काम मिला हुआ तो दरिद्र दुखी नहीं होंगे। आज की डेट में हर हाथ को काम नहीं मिल पा रहा तो लोग दरिद्र दुखी है, और दरिद्र दुखी है तो अशांति तो फैलेगी। लेकिन जब गरीबी होती है ना तो पॉलिटिक्स करना बहुत आसान होता है। जितना ज्यादा गरीबी होती है पॉलिटिशियन के लिए उतना अच्छा होता है। अगर सब लोग पढ़ लिख ले जाएंगे तो पूछेंगे, अच्छा जी आपका क्या काम है, व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट यू हैव डन, आपने पुलिस रिफॉर्म किया कि नहीं किया, आपने जुडिशियल रिफॉर्म किया कि नहीं किया, आपने इलेक्शन रिफॉर्म किया कि नहीं किया, आपने ये काम किया कि नहीं किया, आपने ये कानून बनाया कि नहीं बनाया। और गरीबी है तो क्या भाई साहब, 5 किलो चावल दे दो पर्याप्त है, 5 किलो आटा दे दो पर्याप्त है,
जितनी ज्यादा गरीबी होती है पॉलिटिक्स करना उतना आसान होता है। क्यों? क्योंकि बस 5 किलो चावल का, 5 किलो दाल का, 5 किलो आटा का छोटा सा ऑफर देना, उतने में वोट मिल जाएगा, 5 साल की मौज मस्ती हो गई, उसके बाद काम चलता रहेगा। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो जो 5 किलो चावल पे वोट करते हैं वो तो नहीं समझेंगे, इसको तो मिडिल क्लास, अपर क्लास, एजुकेटेड क्लास, पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग जो बैठे हैं, इसी को आप चिंतन कर सकते हैं और इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं, इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। मुझे इस बात की खुशी है केंद्र सरकार ने एक कमीशन बना दिया है, अब तो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद सरकार बनेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। और वैसे भी आप देख लीजिए, चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ, हम 47 में आज़ाद हुए, चीन 49 में आज़ाद हुआ 2 साल के बाद, और चीन कितने आगे निकल गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उसने शुरुआत में कंट्रोल कर लिया। हालांकि उसने गड़बड़ ये किया, उसने एक वाला कर दिया, एक वाले के चक्कर में थोड़ा वहाँ बुढ़ापा बढ़ गया, लेकिन हम दो हमारे दो बहुत साल पहले लागू हो चुका है, हम दो हमारे दो से रिश्ते नाते भी चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है आज की ज़रूरत में हमारी रिक्वायरमेंट है, और आज शायद 2024 में या 2025 में एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनेगी।